सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल रहने वाली है बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने 12th बेस बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन दिया था वो इस सामंजस्य में कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या जिन बच्चों ने एक महीने तैयारी की थी, दो महीने तैयारी की थी, उन बच्चों के लिए आज विशेष मैसेज रहने वाला है। कहते हैं कि दोस्तों कि गहरे पानी में सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, हर बार खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसमें अंतिम पैरा है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बात जो लास्ट में बोलता हूं कि काफी असफलताएं मिलेंगी जिंदगी में, काफी असफलताएं मिलेंगी जिंदगी में, लेकिन एक सफलता काफी है सभी असफलताओं को छुपाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो 12th बेस के बच्चे हैं वो जुड़ जाएं। जैसे आपने प्यारे बच्चों 12th अपनी क्लास पास की मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, और आपने एक एग्जामिनेशन दिया बीएससी एग्रीकल्चर का या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सफलताएं एक दिन में नहीं बनती, सफलताओं के लिए लगातार लगा रहना पड़ता है। अगर हम एक दिन में ही रुक जाएं तो फिर तो सफलता हर किसी के पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए आपने 1 मंथ तैयारी की थी, 2 मंथ तैयारी की थी या 3 मंथ तैयारी की थी और उसमें आपका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो एग्री एकेडमी जो है अपना ड्रॉपर बैच, सुपर 100 बैच स्टार्ट करने वाली है एग्री एकेडमी हिसार। सुपर 100 बैच में क्या होगा प्यारे बच्चों? सुपर 100 बैच के अंदर आपका जो फीस का इशू है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फीस के इशू के कारण जो है वो ड्रॉपर बैच ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आज मैं पूरे मंच पर जो है आपको मैं खुल के बोल रहा हूँ कि फीस के अभाव के कारण किसी भी बच्चे के करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो बच्चा मुझे सुन पा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, आप उन पर जो कॉल कर जो है, अगर आपको फीस का इश्यू है तो आपको फीस का इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सुपर 100 बच्चों के लिए 40% लेस एकेडमी जो है एग्री एकेडमी हिसार दे रही है, उसका स्टार्टिंग कर रही है वो, 40% फीस में डायरेक्ट लेस है जो टोटल फीस है एकेडमी की, वहां से सुपर 100 बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये ऑफर जो है 1 वीक तक रहने वाला है, आगे भी आएंगे, लेकिन ये वाला जो है वो 1 वीक तक रहने वाला है। तो जो बच्चे ड्रॉपर, मैं एक बात बोलता हूँ, ड्रॉपर आर टॉपर, टॉपर आर फ्लॉपर, मिडोकर आर सक्सेस, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बच्चों को बनते हुए। और प्यारे बच्चों, जिंदगी में परिस्थिति हर किसी व्यक्ति के रहती है जीवन में, हर किसी बच्चे के रहती है, हर किसी के रहती है जीवन में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उससे फाइट कैसे करते हैं, आप उन परिस्थितियों से लड़ते कैसे हैं जीवन में। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिनमें डेडिकेशन, डिवोकेशन, मैनिपुलेशन, यानी कि जिसमें हार्ड वर्किंग होता है जिस बच्चे में, वो बच्चे कामयाब होते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि आपका जन्म किस घर में हुआ है, आप किसी बड़े घराने में पैदा हुए हो, आप किसी छोटे घराने में पैदा हुए हो, नहीं, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो इसलिए सोच का, एक बुलंद सोच का होना जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि गाँव में कहावत भी है कि पाँव की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, तो वो सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है वो थ्योरी के ऊपर। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ड्रीम बड़े देखो, सपने बड़े देखो, सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते आपके, आप सपने बड़े देखेंगे तो कल को कुछ जीवन में बन जाएंगे। एक सिंपल बीएससी करने से अच्छा है कि आप 1 साल मेहनत कर ले कंपटीशन एग्जाम्स की 12th क्लास के बाद, और 12th क्लास पास होने के बाद तो वैसे भी मेहनत करनी चाहिए हमें, 1 साल का समय हमारी पढ़ाई को हमें देना चाहिए सफलता के लिए, चाहे हम उसमें सफल हों असफल हों। और जब पढ़ाई करते हैं तो असफलता का कोई मतलब ही नहीं है, जो पढ़ा है वो सफलता ही होती है।
तो प्यारे बच्चों जुड़ जाओ आपकी अपनी एग्री अकेडमी हिसार के साथ, और ड्रॉपर बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, और उनके लिए क्वेरी के लिए नीचे आपको नंबर डाल दिया जाएगा, तो आप विजिट करें एग्री अकेडमी हिसार, आपके साथ यही मुलाकात होगी और आपके सुंदर भविष्य को लिखा जाएगा। सभी हरियाणा प्रदेशवासियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत।